अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल स्टेट। सलमान महफूज आपसे मुहातिब हूँ। DHA फेज़ नाइन प्रिज्म के वाले से हम आपको अपडेट्स देते हैं। DHLA फेज़ नाइन प्रिज्म में मैं आपको थोड़ा सा प्राइसेस का आपसे अपडेट करता हूँ कि इस टाइम मार्केट में प्राइसेस क्या चल रही हैं। एक कनाल 5-10 मरला और वहाँ पर 5 रेजिडेंशियल फाइल्स और कमर्शियल फाइल्स के वाले से भी आपसे डिस्कशन करते हैं। व्यूज़, इस टाइम एक कनाल की जो प्राइसेस चल रही हैं वो तकरीबन आपको कोई 1.5 करोड़ में, कुछ बाउंड्री जैसे ये वाला प्लॉट है 108 नंबर, इस तरह का 1.5 करोड़ रुपये में प्लॉट मिल रहे हैं। बी में एक ऐसे प्लॉट है बी का 793 नंबर, ये भी प्लॉट तकरीबन 1.40 करोड़ में भी कनाल का अवेलेबल है। लेकिन जो अच्छी लोकेशन है वो आपको कोई 2.25 से 2.5 की रेंज में मिल रही है। एम ब्लॉक में इस टाइम बाय के लिए ये पोर्शन में देखें, आपको कोई 2-2.25 की रेंज में अच्छा प्लॉट मिल रहे हैं, ये वर्थ करता है। इधर एल ब्लॉक को भी कंसीडर करें, ई के इस पोर्शन में भी, वो एफ में रेट अभी इस टाइम कोई 2.5 की रेंज में मिल रहे हैं प्लॉट। यहाँ पर 2 महीने पहले यहाँ पर भी चीज़ें नीचे आई थी बाइंग के लिए, लेकिन मैंने जैसे आपसे बताया था बाइंग हो रही है काफ़ी तादाद में है। सेक्टर जी में भी आपको 2.5 की रेंज में मिल जाएगा, नीचे 2.25 है। एच में इस पोर्शन में कोई वही 2.35-2.40 का रेट है, कुछ 2.30 में है। जैसे जैसे एच में भी आपको 2.25 का भी मिल जाएगा प्लॉट। सेक्टर के में भी 2-2.25 की रेंज में है। एल ब्लॉक के इस पोर्शन में बात करें तो आपको 1.60-1.65 करोड़ से लेकर कोई 2-2.25 करोड़ की रेंज में है। सेक्टर एम में भी अगर हम बात करें तो सेक्टर एम में प्राइसेस 1.50-1.60 करोड़ से स्टार्ट हो रही हैं और 2-2.25 की में है। सेक्टर में एन में भी यही 1.60 करोड़ से लेकर 2.25 की रेंज में प्लॉट है। सेक्टर ई में आपको 2.25 से 1.60 करोड़ में यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी हो रही है नॉन पोजेशन वाले एरिया में, से लेकर कुछ 2.5 करोड़ की रेंज में है। सेक्टर एफ में तकरीबन 2 से लेकर कुछ 2.25-3 की रेंज में अवेलेबिलिटी है। मैं कैटेगरी प्लॉट्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ। और इसके अलावा सेक्टर डी में भी 2.25 से लेकर 2.75 की रेंज में प्लॉट्स हैं पोजेशन। 2 कनाल के प्लॉट्स यहाँ पर तकरीबन कोई 7.5 से लेकर कोई 9.5 करोड़ तक, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन है। सेक्टर पी में बात करें, सेक्टर पी में आपको प्राइसेस मिल रही हैं 1.70-1.75 करोड़ से स्टार्ट होकर 2.60-2.65 करोड़ तक की रेंज में आपको प्लॉट मिल रही हैं। सेक्टर क्यू में आपको जो प्राइसेस मिलेंगी इस टाइम, सेक्टर क्यू में आपको तकरीबन को 2.10-2.15 करोड़ से बाउंड्री वाले प्लॉट होंगे। उसके अलावा आपको तकरीबन 2.75 करोड़ की रेंज में प्लॉट है। सेक्टर आर में भी कोई 1.90 करोड़ से लेकर कोई 2.25 करोड़ तक की रेंज में प्लॉट मिल जाएंगे। एक कनाल के सेक्टर ए में आपको कोई 2.25 करोड़ से लेकर 2.75 करोड़ की रेंज में प्लॉट की अवेलेबिलिटी है। सेक्टर सी में 2.25 से लेकर कोई 2.50 करोड़ की रेंज में अवेलेबिलिटी है। और लास्ट में सेक्टर बी में भी तकरीबन 2.25 से लेकर तकरीबन कोई 2.10-2.15 करोड़ की रेंज में आपको प्लॉट मिल जाते हैं। 5 मरले में बात करें तो 5 मरला इस टाइम आपको सेक्टर जे में तकरीबन कोई 55+ माइनस में प्लॉट्स होकर तकरीबन 1 करोड़ की रेंज में, सेक्टर क्यू की रेंज में ये अवेलेबिलिटी है पोजेशन नॉन पोजेशन। 10 मरला आपको 1 करोड़ से लेकर तकरीबन कोई 2.25 की रेंज में मिलेगा मुख्तलिफ ब्लॉक्स में। और इस टाइम 4 मरला कमर्शियल जो है आपको सेक्टर कमर्शियल को 3 करोड़ से लेकर तकरीबन को 5 की रेंज में है। और यहाँ पर एक अच्छी ऑप्शन आई हुई थी, बिग गई हुई है, 16 नंबर था 150 करोड़ का, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन थी। सॉरी, इस साइड पर तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन थी, ये तकरीबन कोई 4.5 में बिका है। और एक 22 नंबर था, ये तकरीबन 5 की 5.25 की रेंज में ये सेल हुआ है, ये सेक्टर कमर्शियल है। तो उसमें वैसे और जोन की बात करें तो 3.25 से लेकर तकरीबन कुछ 6-6.5 की रेंज में अवेलेबिलिटी है। जोन 2 में या कुछ 7 की अवेलेबिलिटी भी आती है। इस रेंज में 4 मरला है। 8 मरला आपको कोई 7.5 से लेकर कोई 12 तक की रेंज में इनर साइड पर हैं। और 150 करोड़ के ऊपर 15 से लेकर 20 करोड़ तक है लोकेशन के हिसाब से। ये सूरत हाल है कमर्शियल की। कमर्शियल फाइल इस टाइम को 2.17-2.18 करोड़ की डिमांड पर है। 216 तक एफिडेविट फाइल अवेलेबल है। बेस्ट बाय है आज की डेट में भी, जो बाय करें आपका अगर रेजिडेंशियल आपको नहीं अच्छा मिल रहा दो, तो आप कमर्शियल ले लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। जब मार्केट ये उठनी है तो यही 3 की आसानी से बिकनी है। आप बैलेटिंग का वेट नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू। या ये इस चीज़ का आपको
अच्छा है कि जी हल्का प्लॉट निकल आएगा सेक्टर कमर्शियल में, तो उसको आप वेट ना करें, अच्छे आप अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर बेच के कहीं और पर रीइन्वेस्ट कर लें, ताकि आपको सिक्योरिटी हो कि आपकी अच्छा गेम मिला है, बजाय कि आप वेट करके छक्का भी लग सकता है, यहाँ पर आपको काफ़ी महंगा भी मिल सकता है। तो वेयर्स ये थे इस टाइम DHA टाउन में, सॉरी DHA फेज एंड प्रिज्म में प्लॉट प्राइसेस के वाले से रेट्स चीज़ों का। अब अगर प्रिज्म में बाइंग सेलिंग के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे हम आपको ब्लॉक वाइज भी ड्रोन भी दिखाए हैं, स्ट्रीट वाइज व्यूज़ भी दिखा रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स मेरे रह गए हैं करने वाला, मैं वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में, जैसे धुंध की वजह से थोड़े से अभी रुका हुआ था, जैसे ही ये थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो वो भी सारे आपको, कुछ जो रिमेनिंग ब्लॉक्स रह गए हैं 3-4 MNL के, तो उसका भी हम आपको बड़ा डिटेल में सारे डिटेल बता देंगे। ये तो ओवरऑल डिस्कशन थी प्रिज्म के हवाले से। यहाँ पर हमारे पास हर कैटेगरी में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इस टाइम मैं आपको बता दूँ तो एक टॉप ऑफ द लाइन C39 नंबर है, 3 करोड़ 10 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर हमने एक से गेहूँ का 920 बेचा है इस टाइम पार्टी को, ये 150 फुट रोड का कार्नर था। यहाँ पर आपको पेयर चाहिए, पेयर की अवेलेबिलिटी भी है हमारे पास, अगर 2 कनाल चाहिए वो भी मिल जाएगा। कमर्शियल की अवेलेबिलिटी भी है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम है, बाय के लिए आप घर बनाने के लिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ रेट्स आपको अगले 1-2 सालों में नहीं मिलने, जो आज बाय कर लेगा वो फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, पोजेशन आ रहा है, जैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी यही रेट आपको फेज 7 से भी रेट प्लस में मिलेंगे। ये थी आज की फेज 9 प्रिज्म के हवाले से डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल होगी। अगर आप फेज 9 प्रिज्म में बाइंग या सेलिंग करना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑथराइज डीलर हैं, हम स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप रब्ता करें। वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।